हेलो दोस्तों, मैं हूँ आशना खान और वेलकम टू माय चैनल। आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ ये मूवी सैंड स्टॉर्म, जिसे मैंने नेटफ्लिक्स पे देखा है। और ये एक 2016 की इजरायली ड्रामा फिल्म है जिसे डायरेक्ट किया है एलिट जैक्सर में। तो इसे आपको हिंदी और इंग्लिश में तो नहीं मिलेगी, लेकिन आपको इंग्लिश सब टाइटल ज़रूर मिल जाएंगे, जो आप चेकआउट कर सकते हैं। ये फिल्म जो है बहुत सारी फिल्म फेस्टिवल में जा चुकी है, जहाँ पे इसे बहुत ही ज़्यादा पसंद किया गया है। ये मूवी जो है वो लाइला जो है मेन प्रोटैगनिस्ट है स्टोरी की, जो मेन लीड कैरेक्टर है स्टोरी की, उनके लाइफ के थ्रू, उनके आईज से ही हम इनकी लाइफ देख सकते हैं। बेडुइन कल्चर कैसा है, वहाँ बेडुइन कल्चर में औरतों की क्या दशा है, ये हम देख सकते हैं। तो कुछ ही सीन्स जो है, अगर आप स्टार्टिंग सीन देखें तो लैला जो है वो अपने फादर के साथ गाड़ी पे जा रही है, जहाँ पे लैला जो है उसके पापा को बता रही है कि उसके कॉलेज स्टार्ट होने वाले हैं, उसके कॉलेज लाइफ कैसे। देखने में तो ये बहुत ही ज़्यादा कुछ सेकेंड्स या कुछ मिनट्स के लिए आपको लगेगा कि हाँ, ये एक नॉर्मल स्टोरी है जहाँ पे एक फादर अपनी बेटी के बारे में, कॉलेज के बारे में पूछ रहा है। लेकिन कुछ मिनट बाद ही हम लोग देखते हैं कि ये एक्चुअली पूरी तैयारी जो हो रही है वो उसके फादर के सेकेंड मैरिज की हो रही है, और तैयारी करने वाली इंसान कोई और नहीं, उसकी खुद की माँ है। तो पहली वाइफ जो है वो दूसरी वाइफ के लिए पूरी तैयारी कर रही है, प्रेपरेशन कर रही है, उसका घर सजा रही है, वेडिंग के सारे काम कर रही है। तो ये देखकर बहुत ही ज़्यादा दुखमय लगता है कि इस तरह की जो मल्टीपल, बहुत सारी पॉलीगैमी जिसे कहते हैं, बहुत सारी शादी एक साथ करना, तो ये जो है बहुत ही ज़्यादा पेनफुल एक्सपीरियंस होता है। तो हम देखते हैं कि लैला की माँ जो है वो बहुत ही एक बहुत ही टफ फेस बना के अपना सारा काम कर रही है। उसके एक्सप्रेशन हम लोग नहीं देख पाते हैं ज़्यादा, लेकिन उसके इमोशंस कुछ सीन्स में ऐसे हैं जहाँ पे आपको उसके लाइफ के हर्ट के बारे में पता चलेगा कि उसका दिल कितना दुखा हुआ है। फिर वो उसे पता चलता है कि लैला जो है वो किसी लड़के को प्यार करती है, और फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये लव मैरिज वहाँ पे एक्सेप्टेड ही नहीं है, और दूसरी बात ये है कि उसका जो बॉयफ्रेंड है वो दूसरे कास्ट का है, जो ये लोग किसी को भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। तो सैंडस्टॉर्म जो है इन छोटी छोटी डिटेल से बना हुआ है, कैसे एक फादर की लाइफ चेंज होती है दो मैरिज करने के बाद, जो पहली वाइफ है उसकी लाइफ कैसे चेंज होती है, बच्चों की लाइफ कैसे चेंज होती है, और यहाँ तक कि ये भी दिखाया गया है कि सेकेंड वाइफ जो है कुछ ही सीन्स में, लेकिन उसकी भी लाइफ में कितनी डिसअपॉइंटमेंट है वो भी दिखाई गई है। कहने को तो देखने में लगेगा कि वो हाँ बहुत ही अच्छी लाइफ लीड कर रही, क्योंकि वो एक सेकेंड वाइफ के हिसाब से आई है, लेकिन उसकी भी लाइफ के कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स है जो हम लोग ये मूवी में देखेंगे। तो गुड की अगर बात की जाए दोस्तों, तो बहुत ही एक हार्ड हिटिंग मूवी है, जहाँ पे आपको एक रॉ कल्चर, जैसे कि एकदम डायरेक्ट बेडुइन कल्चर के बारे में पता चलेगा, और कैसे यहाँ पे लाइफ में सारे कुछ इनकी लाइफ हमारी लाइफ से कितनी डिफरेंट है ये भी पता चलेगा, और कितनी सेम भी है वो भी पता चलेगा। ह्यूमन इमोशंस जो हैं दोस्तों वो चारों तरफ यूनिवर्सली सेम ही है, और यहाँ पे भी हम देखते हैं कि औरतों की दशा जो है न्यू वर्ल्ड में भी सेम वैसी ही है जैसे कि पुराने, हम लोग कहने को तो पुराने रीति रिवाज छोड़ के आ चुके हैं, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें हैं जिनसे हम अभी तक अपने आप को दूर नहीं कर सके हैं। तो ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। और दूसरी चीज़ यहाँ पे बहुत पसंद आई कि ये किस तरह के बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर्स इस मूवी में हैं। तो आपको ऐसे कैरेक्टर्स नहीं मिलेंगे कि लड़कियां जो हैं वो बैठ के रो रही हैं और दुख सह रही है। यहाँ पे जो लैला की माँ के जो किरदार है वो भी एक स्ट्रॉन्ग फीमेल प्रोटैगनिस्ट है, जो उसके मन में आता है वो बोलती है, और जहाँ पे वो एक हेड ऑफ द फैमिली, जब उसके फादर के एब्सेंस में वो एक हेड ऑफ द फैमिली है जो सही डिसीजन लेके एक लीडर की तरह जो है वो काम आती है। और यहाँ पे हम देखेंगे कि लैला को भी बहुत ही ज़्यादा विक्टिमाइज नहीं किया गया, विक्टिम की तरह नहीं ट्रीट किया गया है, उसे भी दिखाया गया है कि वो जो गलत है वो अपने फादर के सामने बोलती है,
जो वो एक बहुत ही ज्यादा एक रिबेल टाइप कैरेक्टर दिखाया गया है कि वो कभी भी अपने मन में कुछ नहीं रखती है, वो डायरेक्टली जिसे अच्छा है बुरा है जो भी है बोल देती है, और वो पूरा ये भी रखती है कि पूरी हिम्मत रखती है कि अगर वो किसी को चाहती है तो उसके लिए वो फाइट करे और क्वेश्चन करे कि लाइफ में जो है वो गलत हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है। तो दोस्तों पर्सनली मुझे वो सारे कैरेक्टर, अगर आप मेरे चैनल के और भी रिव्यूज देखेंगे तो फीमेल जो है औरतों का जो मेन किरदार वाली जो मूवी है वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आती है, और मैं वैसे कैरेक्टर को देखना पसंद करती हूँ जहाँ पे फीमेल्स जो है वो बोल रही हैं, ऐसा नहीं कि चुप रह के रो रही हैं और जो सोसाइटी के खिलाफ बोल रही हैं और उसे जो गलत है उसे ठीक करने की कोशिश कर रही हैं। तो ये मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आई दोस्तों, स्टोरी भी अच्छी है, एक अलग कल्चर के बारे में आपको पता चलेगा और आप इस चीज को ज्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं ये मूवी के थ्रू। मूवी की अगर नेगेटिव पॉइंट के बारे में बात करें थोड़ी स्लो है, कहीं कहीं आपको आपके पेशेंस को जरूर टेस्ट करेगी, और अगर आप ये कल्चर से ज्यादा वाकिफ नहीं है तो आपको थोड़ा बहुत मैंने रिलेट नहीं कर पाएंगे, कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जहाँ पे आप रिलेट नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी ओवरऑल जो है मैं इसे इस मूवी को रेकमेंड करूंगी। नेटफ्लिक्स पे है तो आप इजीली इसे देख सकते हैं। एक औरत की कहानी, उसके बच्चों की कहानी, उसकी लाइफ कैसे चेंज होती है, और एक पर्टिकुलर पूरे के पूरे जो कल्चर है वो हम एक्सप्लोर कर सकते हैं इस मूवी के थ्रू। तो आप देख लीजिए नेटफ्लिक्स पे, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और रेकमेंड कीजिए कौन सी मूवी आपने देखी है जो आपको पसंद आई है, ताकि हम ये चैनल पे उसे भी रिव्यू कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।